अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ मालिक आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा सलामत और खुश रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आपको नई और लेटेस्ट जॉब की जानकारी देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी कुछ जॉब के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने काफ़ी सारी जगहों पर इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो के अंदर जो जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपका पासपोर्ट, आपकी CV और फ़ोटो, और सेम डे अप्रूवल मिलेगा, वर्क वीज़ा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अभी जो जॉब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सऊदी की जॉब है और हाउस ड्राइवर, जिसको फैमिली ड्राइवर बोलते हैं। इसमें काम तो क्या रहेगा, ड्राइविंग का ही काम रहता है। इसमें बच्चों को स्कूल लेके जाना, वापस लाना, मदरसे जाना, मदरसे से वापस आना, इनका घर का दूध सब्जी वगैरह जो भी लाने का, घर का जो भी काम रहता है, तो एज ए हाउस ड्राइवर आपको करना पड़ेगा। इसमें इस जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, लेकिन पासपोर्ट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए चिप वाला, उसके बाद वाइट बैकग्राउंड वाले 12 फोटोज़ चाहिए, और एज लिमिट जो है इसमें कम से कम 22 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल, 22 से लेके 45, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। सैलरी जो है 1000 रियाल सैलरी है, प्लस 200 रियाल खाने के लिए, टोटल 1200 रियाल मिलेगा। रूम के लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना है। और इस ड्राइवर की जॉब के लिए कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मलयालम, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लिखी हुई चीज़ पढ़ना आना चाहिए और कुछ बोले तो लिखना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब ट्रैवल करके आप सऊदी जाओगे, वहाँ पर वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको समझाए जाएंगे, और साइन बोर्ड भी जो होते हैं, अगर एक भी लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो कैसे समझ आएगा कि कहाँ जाना है, और यहाँ के ड्राइविंग के जो रूल है वो आपको कैसे समझ आएंगे। इसलिए कोई भी एक लैंग्वेज लिखना पढ़ना आना जरूरी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली और मलयालम में। उसके बाद इसमें जो मेडिकल होगा वो गमका मेडिकल होगा। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद सेम डे या दूसरे दिन आपको मेडिकल के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल जाता है या किसी तरीके से बनवा लेते हैं, या लाइसेंस बनवाने के बाद उन्होंने ड्राइविंग ही नहीं किया, कच्चा पक्का ड्राइविंग आता है, तो ऐसे लोगों को मैं साफ साफ बता दूं कि यहाँ पर ट्रैवल करने से पहले, सऊदी जाने से पहले ड्राइविंग का टेस्ट होगा। अगर आप ड्राइविंग में फेल हो गए और बाद में बोला कि मुझे नहीं जाना है, ये है वो है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, एक रुपया वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वीज़ा में, टिकट में सब कुछ खर्चा हो जाता है, तो सोच समझ के जॉब अप्लाई करना। और फ्लाइट जो रहेगी, चाहे आप कहीं के रहने वाले हो, दिल्ली, UP, कहीं भी XYZ, लेकिन आपका जो फ्लाइट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे से रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने हाउस ड्राइवर की जॉब के लिए दी है आपको समझ आ गया होगा। सोच लीजिए, समझ लीजिए, घर में जिसको बात करना है कर लीजिए, क्योंकि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, अब वो वक्त चला गया कि आपने बोला हमने हाँ कर दिया, आपने बोला और हमने जॉब का प्रोसेस कर दिया, वो समय ख़त्म हो गया। अभी जिसको भी जॉब अप्लाई करने का है, इधर आना है, टर्म्स एंड कंडीशन पे एडवोकेट के पास साइन करवाना है नोटरी के साथ, उसके बाद आपका काम आगे होगा। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे देता है, दो दिन के बाद बोलता है मेरा मामा ना बोल रहा है, हम यहाँ क्या करने बैठे हैं भाई, हैं? कोई भी जॉब मुफ्त में अप्लाई नहीं होता है, हमारा पैसा लगता है उधर, मुफ्त में कुछ नहीं होता। दो दिन के बाद बोलेंगे कैंसिल, ये क्या है भाई, ये नहीं होता, ठीक है। अगर कैंसिल किया तो पूरा चार्ज पे करना पड़ेगा, वो नोटरी के अंदर लिखवा के लूँगा। इसलिए काम पूरा करेंगे उसके लिए आपको भी सपोर्ट और हेल्प करना पड़ेगा, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दी है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।